इतना ज्यादा रिकॉल होता ना इस वाले लॉन्चर से, लेकिन खैर देख सकते हो अटैक। सो लेट्स गो। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं एकदम बढ़िया, मतलब फुल्ली फंक्शनल हमारा बेबलेट स्टेडियम बाय द पीवीसी पाइप। तो हम यूज करने वाले हैं यस 5 इंच का पीवीसी पाइप। मैंने अपने डैड को बोला था लाने को, तो या ले आई है। अब मैं जो चाहता हूँ कि जो इसका डायमीटर है इसका सर्कल के अंदर, तो या जो चौकोन पीस है वो थोड़ा सा ठीक हो जाए, मतलब इसे जब हम इसे बीच से काट के इसे फैलाएंगे फिर जो पीस होगा वो थोड़ा सा चौकोन हो जाए। मैं तुम्हें कागज काट के बताता हूँ। देखो मैं कंजूस हूँ तो मैंने बस थोड़ा सा पेपर काटा है। तो देखो ऐसा अगर हम पाइप को सोचें तो अगर बीच से हम काटें तो पाइप को फैलाएंगे फिर गर्म करके, तो ऐसा बने कि ये पूरा चौकोन बने जितना। तो देखो ये है हमारा पाइप जो कि बहुत ही पुराना है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा पेंट के छींटे लगे हुए हैं, उसकी टेंशन तुम मत लो। तो ये रहा हमारा प्रीवियस स्टेडियम का हिस्सा। तो देख सकते हो ये बड़ा तो है लेकिन उतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन जितना बड़ा है बहुत ही बड़ा है। तो इसे ही काट के, मतलब इसे ही काट के बनाते हैं इसकी तरह। तो देखो हम बनाने वाले हैं एकदम बढ़िया सा स्टेडियम। सो इस मेहनत के लिए जा वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो करे तबाही तरीके से। सो गिव अ थम्स अप, मिलते हैं नए वीडियो में। ओ मतलब कंटिन्यू करते हैं, बनाते हैं इसे। चलो कंपैरिजन के लिए इसका साइज छोटा है इसका बड़ा है, तो हम इसका यूज करेंगे। ये हम बस ज्ञान के लिए बता रहे हैं, तुम ऐसी चीजें मत करना, अपने पापा को दे देना वो कर लेंगे। मैं बिल्कुल नहीं करता, तुम ऐसी चीजें करके अपना हाथ जला लो, बट अगर तुम प्रोफेशनल हो तो कर सकते हो। मोटा पेट छोटा दिमाग, हम ऐसे काम करते रहते हैं। लेट्स डू इट। शू, अरे बिजली चली गई, व्हाट द हेक। ये बिजली बहुत टाइम वेस्ट करा रही है, तो फिलहाल ये काम पे आते हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, थोड़ा सा और चाहिए नरम। शाबजी इसका अभी तक नहीं हुआ, और बना बना। दिस टास्क इज सो हार्ड। ये अभी तक गर्म ठीक से हुआ भी नहीं है, बैठा धीरे धीरे करना पड़ेगा, ऐसे धीरे धीरे करना पड़ेगा। एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वाला ये काफी बड़ा है। नाइस। तो अब हमारा इम्पोर्टेंट थिंग हमारा तवा, क्योंकि इससे ही हम शेप देते हैं बेबलेट स्टेडियम का। जितना कागज की तरह होगा उतना बढ़िया, गर्म करते रहो, हम तो करते जा रहे हैं बस, और भी करेंगे हम। ओके अब रखते हैं इसके ऊपर। ओके एक कपड़ा ले लिया हमने, चारों ओर से भी दबाएंगे हम। ये हो गया तो सब हो गया। देखो जितना मेरे को पता चल रहा है कि इस बड़े से पाइप का मेरे को बस गोला बनाने में बहुत ही ज्यादा समय लगने वाला है, लेकिन समय रंग लाएगी तो मेहनत करते हैं। अब इसको हम पहले तो गोल आकार में काटने वाला है, फिर इसे गर्म करके फिर से शेप देंगे जिससे कि बढ़िया शेप हो। और तुम देख सकते हो इसके अंदर कर्व आ भी गया है, बस हमें थोड़ा सा और बढ़िया कर्व चाहिए। ओके तो हमने सर्कल काट लिया। तो देखो एज कम्पेयर टू द प्रीवियस या 5 इंच का पाइप से तुम मैक्सिमम इतना बड़ा गोला बना सकते हो। तुम देख सकते हो साइज यहां से एज टू एज है, और यहां से जो है ना यहां से भी एज टू एज है, यहां से भी लगभग एज टू एज ही है, बट यहां से बहुत सा एक्स्ट्रा है। दैट मीन्स ये अगर थोड़ा सा मतलब इतना सा ज्यादा होता तो इतना सा बड़ा हम स्टेडियम बना सकते, मतलब यहाँ पे जितना गैप है उतना गैप हम यहाँ से ले सकते थे, लेकिन हाँ हमारा पाइप बस इतना छोटा है। सो इतना वैसे भी कोई या बड़ी बात है नहीं, इतना हम कमी मान लेंगे। सो हाँ
मैक्सिमम इतना बड़ा हमारा गोला बन सकता है। तो मैं कटर से दबा के बस ऐसे आउटलाइन से लेके जाना है अपने कटर को। ओके सो लेट्स गो। और फिर वैसे मैं ऐसे देखो जहां से तुमने बस एक बार कटा है बस ऐसे करो, ऐसे निकल आएगा, फिर तुम्हारा काम बहुत इजी हो गया। अब बस तुम्हें ऐसे ऐसे करना है, ये खुद ब खुद प्लास्टिक फट के आ जाएगा। ये टूटना बहुत ही डरावना होता है क्योंकि मेरे को डर रहता है भाई साहब हमेशा कि कहीं गलत जगह से ना टूट जाए। मेरे पैर की तरफ क्यों देख रहे हो? नहीं नहीं मेरे पैर की तरफ क्यों देख रहे हो? काम पे देखो ना। सब इसको काट के निकालते हैं बड़े आराम से। अगर तुम ठीक से देख पाओ तो ये बहुत ही टीरा मेरा है। सो इस टीरा मेरा को मुझे ठीक करना है। सो या अब इसको ठीक करने चलते हैं क्योंकि ये बहुत ही टीरा मेरा है। इसको मैं गरम करके ठीक करने वाला। जो हमने इससे पहले छोटा वाला स्टीरियो बनाया था ना उसमें भी हमें ऐसे करके ठीक करना पड़ा था, लेकिन हमने वो दिखाया नहीं क्योंकि उससे वीडियो बड़ी हो जाती। देखो इतना नरम बन जाएगा लाइक ऐसा। फिर तुम्हें पकड़ना बस ऐसे और थोड़ा सा शेप देना है। ऐसे थोड़ी देर दबाए रखो, खुद बखुद सेट हो जाएगा। टेंशन की बात ही नहीं है। गिव अ थम्स अप। ये है हमारा तवा का बेस, ये है हमारा पहला स्टेडियम का बेस और ये है हमारा नया स्टेडियम का बेस। डिफरेंस तुम क्लियरली देख सकते हो। सो नया स्टेडियम बहुत ही बढ़िया बनने वाला है। अब हम क्या करने वाले बताएं, ये जो तीन पीसेस है इसे हम थोड़ा सा गर्म करके इसे एकदम टेढ़ा करने वाले हैं जिससे कि इसके साइड में हम स्टैंड के रूप में लगा सकें। तो यह वो करने के लिए हमें एक कपड़ा तो चाहिए क्योंकि हमें हाथ से पकड़ के क्योंकि मुझे उसे हाथ से पकड़ के फिर घुमाना पड़ेगा। सो या लेट्स गो। लगभग ये गोला है तो ठीक है, थोड़ा सा गर्म बस उतना पीछे। ओ भाई साहब ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया गर्म, बट हमें इसे तो पकड़ के रखना ही है। ओ भाई साहब गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है। ओके तो उंगलियां चेंज करके रखना पड़ेगा इसको, ऐसे पकड़ के बस ठीक से रख देना है लाइक दिस जिससे कि थोड़ा सा शेप में आ जाए। क्या गर्म है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि इन सबको बाकी दोनों को ऐसे गर्म करूंगा मैं, और क्योंकि ये ठंडा है तो ऐसे मैंने ऐसे गर्म किया जैसे ही पिघलने लग गया इसके ऊपर रख देंगे जिससे कि एक सिंपल सा शेप ये खुद बखुद ले लेगा। नाइस आई मीन नाइस। लो अब इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। ओ भाई साहब गर्म है बहुत। हम यूज करने वाले एक मोबाइल का बक्सा, ये है हमारा मोबाइल का बक्सा, इसको हम रखेंगे। इसको बड़े से बिठाएंगे जिससे कि चारों ओर से ऊंचा और सेम हो जाए, लगभग सेम ही है। फिर हम इसको ऐसे लगा देंगे लाइक ऐसे। अब हम चारों ओर से हम एमसील डाल देंगे। तो पहले तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं कि चारों ओर से ये सेम है, फिर एमसील डाल देंगे। तो गाइस देखो एक चीज, हम बक्से को ऐसे बैठा के ऐसे रख के फिर इसके चारों ओर ये तो लगाने वाले थे, लेकिन तब मेरे को पता चला कि यहाँ पे हम सिर्फ एमसील से नहीं लगा सकते। देख सकते हो एमसील छोड़ के मैं फेविक्विक लाने गया और हम फेविक्विक ले आए दो फेविक्विक। तो देखो फेविक्विक लेने के टाइम में दुकान पे ही खोल के देख लेने का क्योंकि ये 5 रुपए के फेविक्विक ना कभी कभार सूखे आते हैं तो तुम्हारा तो 5 रुपए का लॉस हो जाता। अभी मैंने खरीदा था दो तो एक तो ठीक था लेकिन दूसरे वाले में या गड़बड़ी आ गई, थोड़ा सा सूख गया तो मैंने तभी की तभी चेंज कर लिया। तो जो भी हो ऐसे देख लेने का। तो फिलहाल के लिए हमने फेविक्विक ले आए, 5 रुपए के फेविक्विक से काम चला देंगे। चारों पहले थोड़ा सा फेविक्विक लगाने वाले क्योंकि मेरे को थोड़ा सा स्ट्रांगनेस चाहिए ठीक, वरना एमसील लगाने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैं एमसील मिक्स करने के बाद भी पहले फेविक्विक लेने भागा मैं। भाई साहब ऐसे ठीक ही होगा, इनको टेढ़ा करना पड़ेगा और भी तब जाके होगा बढ़िया से। हाँ अब ठीक है, इसे भी थोड़ा सा टेढ़ा करो। फेविक्विक से काम तो हो गया, एक फेविक्विक से मेरे ख्याल से इतना सूख गया कि एमसील का दबाव जब हम देंगे तो ये सहन कर लेगा। ओके सब ठीक। अब हम इस एमसील का यूज करते हैं। एमसील लेके पहले थोड़ा सा साफ बना लेते हैं।
खींच के भी शार्प शार्प बनाया जा सकता है। ओके हो गया बड़ा। अब इससे ऐसे 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 अब ऐसे जगह पे हम कोनों पे थोड़ा सा दबा देंगे जिससे कि इनसे बढ़िया से अटक जाए। कोनों में उंगली से ही मैं थोड़ा सा दबा रहा हूँ जिससे कि अच्छे से इनसे घुस जाए अंदर। यही तो हमें चाहिए ना जी। अब इस साइड का फिर से हम थोड़ा सा एमसील लेंगे, फिर उसका सांप बनाएंगे। आफ्टर मेकिंग द सांप हम इसको इसके अंदर डालने वाले हैं लाइक ऐसे, लाइक सुंदर तरीके से। फिर एक्स्ट्रा पार्ट को काट दो, फिर ऐसे ऐसे दबाते रहेंगे हम। भाई साहब थोड़ा सा गलती हो गई मेरे से, अभी हमने चारों ये तो लगा दिया बट ये घूमने वाला बन गया। अभी अपने स्टेडियम देख सकते हो। चलो खैर उसे तो बाद में ठीक कर ही लेंगे, तो फिलहाल को इस फेविक्विक का यूज करना पड़ेगा। लो फेविक्विक खत्म। 2-5 रुपए के फेविक्विक बहुत ही जल्दी, मतलब पलक झपकते ही खत्म। सो गाइस फाइनली स्टेडियम बन चुका है, देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम सुंदर सा, ब्यूटीफुल सा, गुड लुकिंग सा। नीचे हमने थोड़ा सा एमसील से स्टैंडे वगैरह दिए हैं, यहाँ से ये कर्व है देख सकते हो, कर्व एकदम बढ़िया सा कर्व है। और यहाँ एमसील से थोड़ा बहुत शेपिंग फेपिंग की है, गोल मटोल बनाया है। और हाँ ये स्टेडियम सबसे बेस्ट स्टेडियम होगा मेरा, और इसे हम यूज करने वाले जब तक इसकी जीत रहे ना उठ जाए। मैं उम्मीद करता हूँ ये बहुत दिन तक चलेगा, बहुत बढ़िया से चलेगा, और देखते हैं। बाकी अगर हैवीएस्ट बेब्लेड्स चलाएं तो या प्लास्टिक है कितना चीत उड़ेंगे। तो अगर तुम देख सको, ये देख सकते हो मोटा ही है, उतना भी पतला नहीं है, ये मोटा ही है लेकिन यहाँ ठीक है, अच्छा खासा मोटा है, बढ़िया है। और फिलहाल के लिए जरा लुक्स वगैरह देख लो, फिर इसके ऊपर हम थोड़े से बैटल्स भी करते हैं, मतलब बैटल्स मतलब टेस्टिंग करेंगे कि कैसे चलते है अटैक टाइप्स। बैटल्स के लिए तो दूसरी वीडियो आएगी। चारों ओर हमने एमसीयू डाला है और इसको थोड़ा सा शेप भी दिया है कटर से। अब वो सब छोड़ो क्योंकि अभी हम थोड़े से गरीब हो रखे, तो हमें इसी लॉन्चर से लॉन्च करना पड़ेगा सारे वेबलेट्स को। तो फिलहाल के लिए हम ले आए हैं हमारा अटैक टाइप, एक बैलेंस टाइप, एक और अटैक टाइप और अटैक, मतलब तीन अटैक टाइप है एक बैलेंस टाइप है। कॉस्मिक किप्पे के इसके अंदर हमने अटैक टाइप वाला टिप लगाया है, हमारे गैलेक्सी के अंदर सबसे अटैक टाइप रबर टाइप टिप जो कि सबसे ज्यादा अटैक करता है, और हमारे अल्ट्रा गोडिस्टर के अंदर थोड़ा सा छोटा वाला अटैक टाइप है, और हमारे लियोन के अंदर या डिफेंस टाइप बोलते हैं या बैलेंस टाइप बोलते हैं, तो कुछ भी है ये। तो फिलहाल के लिए चला कर दिखाता है। देखो साइडों से हमने इसे खोला रखा है जिससे कि स्टेडियम आउट हो पाए, और अगर अटैक टाइप बेब्लेड्स के लिए ये स्टेडियम बढ़िया ना हो तब हम यहाँ पे बॉर्डर देंगे, फिलहाल के लिए रहने देते हैं। तो बॉल टाइप मतलब डिफेंस टाइप जो बेब्लेड है वो तो बढ़िया लॉन्च होते हैं, और जो रिकॉयल होता है ना लॉन्चिंग के टाइम पे वो बस इसी लॉन्चर में होता है, इसलिए मेरे को ये लॉन्चर कुछ ज्यादा पसंद था, लेकिन खैर उसके बारे में बात नहीं करते। तो देख सकते हो एकदम स्टेबल, कत्ता स्टेबल। अब हमारा अल्ट्रैगो डिस्ट्रक्टर जिसके अंदर हमने बस मतलब थोड़ा सा कम अटैक टाइप है, ये देख सकते हो ये बहुत ही कम अटैक टाइप है, तो ये अटैक कर रहा है बहुत ही कम लेवल में, ठीक है। इसके अंदर है मेन अटैक टाइप जो कि अल्ट्रैगो में होता है, वही वाला टिप। भाई साहब ये इसलिए हुआ क्योंकि देख सकते हो ये बहुत ही नीचा है, रुको मैं इसे जरा स्ट्रॉम पैकेसिस में चेंज कर लूं। तो देखो हमने स्ट्रॉम पैकेसिस के अंदर चेंज कर दिया, अब देखते हैं स्ट्रॉम पैकेसिस कैसे लॉन्च होता है। ये रिकॉयल मेरे को नहीं पसंद, इतना ज्यादा रिकॉयल होता ना इस वाले लॉन्चर से, लेकिन खैर देख सकते हो अटैक कर रहा है लेकिन इससे बाहर नहीं जा रहा है, ये बढ़िया बात है भाई जी। तो ये है हमारा सबसे अटैक टाइप गैलेक्सी पैकेसिस, अब इसका देखते हैं। देख सकते हो गैलेक्सी पहले थोड़ा सा ठोकर खा के शांत हो गया, लेकिन यार ये पता नहीं कैसे बना है, लेकिन ऐसे बना है कि ये यहाँ से अटैक टाइप बेबर्स बाहर नहीं आ रहे, जो कि बढ़िया बात है, बस रिकॉयल को छोड़ के, क्योंकि रिकॉयल में तो सभी निकल जाते हैं। तो ये है आज के वीडियो का कचरा, इतना बस पीसेस हमारे एक्स्ट्रा निकले हैं। और कल के वीडियो में क्या क्या हुआ था पता है, इतने सारे प्लास्टिक निकले थे भाई साहब, मैंने ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे प्लास्टिक काटे थे कि उसको ऐसे जोड़ जोड़ के एक बड़ा सा सर्कल बनाऊंगा, देखो लाइक ऐसे मैं ऐसे छोटे छोटे पीसेस काटे थे बहुत सारे के जोड़ के एक स्टेडियम का बड़ा सा बेस बनाऊंगा, जैसे कि मैंने अपना पेपर स्टेडियम बनाया था।
तो या सबसे बेस्ट ये वाला, लेकिन ये वाला भी खराब नहीं था। इसमें भी अब भी मेरे ख्याल से बहुत सारे बैटर्स हो सकते हैं। हालत थोड़ा सा खराब है लेकिन फिर भी। तो एक आखिरी बैटल करेंगे हम इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में, फायर बैटल, मतलब समझ रहे हो गया। बाय द वे, कचरा तो बहुत निकला था पिछले वाले वीडियो में लेकिन हमने दिखाया नहीं, तो हमने सोचा इस वाले वीडियो में कचरा कर देते हैं। आई होप सो तुमको कचरा पसंद आया होगा। तो या मिलते हैं नया वीडियो में, इस वीडियो को शेयर कर दो क्योंकि क्या मेहनत लगी है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और बताओ यार स्टेडियम कैसा लगा, मिलते हैं नए वीडियो में, तब से बोल रहा हूँ, तो नए वीडियो में मिलते हैं।